Shri Ganesha Deva, Shri Ganesha Deva, Shri Ganesha Deva, Shri Ganesha Deva.
Right, right. Papu, yeah. Papu, papu,
Thank you.
से बेगाना, आसान नहीं है इसको समझाना। कहना न माने बेचैनी न जाने, मुश्किल बड़ा किसे से दिल लगाना। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंध्यार्जोसुमनोहरम विलेपनम टीका अर्पणम समर्पयामहि मंगलमुखजुमानस्य नमः। हरिओम विश्वाणि देव सवितरे दुरितान्नि परासुवा जद्या भद्रं तन्ने असुवा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या करवावहे तेजस्विनावधीत्वमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम श्रीलक्ष्मी करोतु कल्याणे मारोग्यः सुख संपदं मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिभ्यो नमो नमः। हिरण्यगर्भः हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धरा पृथ्वीं द्यामुतिमान् कस्मै विधे महावीखः आसीत्। हरि ओम चंद्रमा मनसो न दक्षिणाचल संधि कर लो तब से मिल लो कली। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो हो सूर्यो अजायत स्रोत्राद वाश प्राणश मुखा अग्नि रजायत। ओम श्री गणेश गणेशाय नमः। Thank you.
प्रकाशाय दिव्यज्योतिभ्यो नमो नमः हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तिशर्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्णी स्वस्ति नो बृहस्पतिरेदधार्तः मङ्गलपूजास्थानटीकार्पणम् गोरी खोल दरवाजा हे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा खोल दरवाजा Thank you.
सजा के दूल्हा छा रहा है। शुभ मंगल सावधान। मैं तो आया रे, टोली बारात
अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। सीजन है ओ सोनिया डांस करी जन है।
इश्क
चांदी रात बन गई Thank you.
चले देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आज जनता को विशेष रूप से स्वागत किया जा रहा है। ग्रह स्वामी श्रीमान अरुण सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोहिणी सिंह जी की ओर से, उनके विशेष परिवार की ओर से, कि आज आप लोगों ने उनका जो निमंत्रण है, उनकी कन्या का जो विवाह संस्कार आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, उसका निमंत्रण आज आप लोगों ने स्वीकारा, तो उसके लिए घर वाले आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारे अतिथि श्रीमान सतीश जी आज अपने विशाल कुटुंब परिवार के साथ में यहाँ पर टोरंटो से आए हुए हैं। उनकी माता, उनके पिता, उनके मौसी, बहन, समस्त परिवार आज यहाँ पर है प्रिय श्रोताओं टोरंटो से, और विवाह संस्कार में भागीदार बन रहे हैं। तो सतीश जी को आज हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं कि इतने दूर से वो यहाँ पर आए हैं, यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, अपने जीवन में से अपना बहुमूल्य, अपना कीमती समय को निकाल कर आए हैं। उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। जनता को हम एक और बात बता देना उचित समझते हैं, अगर विवाह संस्कार के बाद आप लोग सतीश जी से बात करें तो इंग्लिश में बात करना है, इसलिए अंग्रेजी में बात करना है। चले देवियों सज्जनों, दोनों होने वाले नए दंपति सामने खड़े हैं, कन्या हाथों में जयमाला लेकर खड़ी है और हमारे दूल्हे राजा भी हाथों में जयमाला को लेकर खड़े हैं। रामचरितमानस में तो ऐसा बताया गया है कि जब प्रभु रामचंद्र जी मिथिला में गए थे मैया सीता के साथ विवाह करने के लिए, और परशुराम के धनवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में जब मैया सीता जयमाला को लेकर निकली थी, तो शास्त्र के अनुसार सबसे पहले मैया सीता ने प्रभु राम के गले में जो जयमाला है उसको अर्पण किया था। तो चले वही रीति को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले लक्ष्मी स्वरूप जो कन्या है वो अपने होने वाले श्रीमान जी के गले में जो पुष्पों की माला है, जो जयमाला है, जो वरमाला है, जिसको पतले से धागे में पिलोया गया है, उसको अर्पण करने का प्रयास करें। हरि ओम मल्लकारी सुगंधनी मालवैरिणी मायाहात्री पूजायातम मंगल मंत्र है पुष्पांजलि अर्पणम समर्पयामहि मंगल मुक्तिजुमानस्य भ्यो नमो नमः। हरि ओम पूजा स्थान पुष्पम प्रतिगृहतामम। चले सती जी को अब जो वरमाला है वो अर्पण करने का समय हुआ। चले डीजे गाना बजाओ और गाने के माध्यम के द्वारा आज हमारा आसन करते हैं। डीजे गाना बजाते रहना, सुल्तान के गाना है, थोड़ा देर बजाओ इसके लिए। 2016 के टॉप गाना है रीला, बात मत आज होने वाले जो नए दंपति हैं उनका हम स्वागत करें। चले प्रिय श्रोताओं, इन दोनों को हम बैठने के लिए आग्रह करते हैं, उसके बाद में हम आग्रह करते हैं बहन रेणु से, आज जो हाउस होस्ट है और अतिथि का स्वागत है वो आज की जो एमसी है वो अपने ही मुखारविंदों से करने का प्रयास करें। चले एक और तालियों से हम दुल्हन की मामी रेणु जी का स्वागत। Thank you so much, everybody, for being here today on this auspicious occasion. First and foremost, I'd like to welcome Satish Namraj and his family, Mr. and Mrs. Vishnu and Paro Parasram from Toronto, Canada, on behalf of Mr. Arun and Mrs. Roydi Singh, together with their eldest son, Abneel Jeshli, Jishneel and Lovely Singh, for Roylene's wedding with Satish.
Also with them is Mrs. Fulwati Singh, and blessings of late Mr. Ful Singh, and Mr. and Mrs. Shunarayan from Canada as well, who are Roland's Nana and Nani. Is served, so please help yourself as the wedding is going on. And yes, so welcome all, and let's have a great time tonight. Thank you. धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी जो गान की मंडली है, जिसमें आज हमारी नानी है और ढोलक पर साथ दे रहे हैं श्रीमान जीत जी, और बाजे पर साथ दे रहे हैं रॉबर्ट रॉस के श्रीमान संजीत जी। देवियों सज्जनों, एक और जोरदार तालियों के साथ में हम ये जो छोटी सी गान मंडली है, इन लोगों का स्वागत करेंगे। और उसके बाद में हमारे डीजे जी आज भी संगीत के माध्यम के द्वारा हमारा जो मनोरंजन है वो कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में चले आज का जो विवाह संस्कार है उसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं। और जैसे ही भोजन तैयार हो जाती है, वैसे ही जनता को हम सचेत करने का प्रयास करेंगे कि भोजन करें। चले आज का जो विवाह संस्कार है उसको हम आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करें। हरि ओम। आसन विराजो समर्पयामहि मंगल मुख्यमानस्यो नमो नमः। शास्त्र के अनुसार सबसे पहले कन्या की माता और कन्या के बाबा आकर कन्या के सम्मुख होकर देवताओं को साक्षी मानकर उनसे निवेदन करते हैं कि विशेष रूप से आज दूल्हे राजा बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, कि बड़ी दूर से आज दूल्हे राजा यात्रा करके विमान पर चढ़कर यहाँ पर आए हैं। कन्या जिस घर में जाएगी वहाँ पर हमेशा हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो उपदेश है, उसको अकस्मात बरकरार रखेगी। हरि ओम। पवित्रे पवित्रवा सर्वोवस्थान गदोडिपिवा या स्मरेत पुंडरीकांचोसहापि ब्रह्मा भयंतरे शुचहि मंगलपूजास्थाने। हरि ओम। मंगलपूजास्थाने आसन्धादुपात्रः पवित्रे करणं समरेपयामहि। हरि ओम। मंगलमुखयुमास्यः द्यो नमो नमः। हस्तस्नानं हरि ओम। हाथों का स्नान करे हस्तम प्रत्यक्षाय गोविंदाय प्राविंद योगः। मंगलमुखयुमास्यः द्यो नमो नमः। हाथों में जल को लेकर जल को ग्रहण करे हरि ओम। केशवाय नमः। श्री जल ग्रहणं समर्पयामहि फिर से हरि ओम। मंगलनारायणाय नमः। श्री जल ग्रहणं समर्पयामहि हरि ओम। मंगलमानवाय नमः। श्री जल ग्रहणं समर्पयामहि मंगलमुखयुमास्य नमः। पुनः हाथों का स्नान करें हस्तं प्रक्षालयं गोविंदाय प्राणन्द योगः। मंगलमुखयुमास्य नमः। हाथों में जल को लेकर अनामिका अंगुली के माध्यम के द्वारे अंग बंधन करने का विशेष प्रयास करें। पूजा स्थान श्री मंगले अंग बंधनम समर्पयामहि। पहले मुखारविंदो में हरि ओम। वाण्ड में आशयस्तु नाकों में हरि ओम। नासों में प्राणवस्तु आंखों में अक्षतोर में चक्षुरस्तु कानों में ओम। कर्णयोर में श्रोतमस्तु हाथों में हरि ओम। बाहों में बलवस्तु पांव में ओम। पूरियोर में अमजवस्तु अपने हृदय में ओम। हृदय में शांतवस्तु शरीर के ऊपर छीटा हरिस्थान में अंगान चेतनस्त्रमा में सहा संतु। हाथों का स्नान करें हरि ओम। हस्तम प्रत्यक्षालं गोविंदाय रामन्द योगः। मंगलमुखयुमास्यः द्यो नमो नमः। कुशाभैधिधारणम् हरि ओम। आगत्य मंगलपूजास्थाने कुशाभैधिधारणम् समर्पयामहि। मंगलमुखयुमास्यः द्यो नमो नमः। टीका अर्पणम् हरि ओम। श्रीखण्ड चन्दनम् दिव्यं गन्धराजोऽसुमनोहरम् विलेपनम् टीका अर्पणम् समर्पयामहि। मंगलमुखयुमास्यः द्यो नमो नमः। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वांश्चक्रांश्च मुखाद्निरजायतः। पूजास्थाटिका अक्षतं समर्पयामहि। मंगलमुखयुमास्य नमः। हाथों में सबसे पहले फूलपाती को लेकर कन्या की माता सबसे पहले भगवती पार्वती का ध्यान करें और यही विनती करें कि जो ज्ञान माता मैना रानी ने मैया पार्वती को दिया था, वही ज्ञान आज हमने अपनी कन्या को दिया है। और वही ज्ञान वही उपदेश को लेकर है कन्या रानी ससुराल में प्रवेश करती है कि हाथों में लेके फूलों की माला
सास ससुर की सेवा करना और करके 16 सिंगार अति सुंदर है साजन की मन को भाना। हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेती शवदिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हरि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कबारिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हरि ओम या पतेन्दुतुषारहा धवला या शुभ्रान वृंदता या वीणा वरदंड मंडिताकरा या श्वेत पद्मासनम्। हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थं सार्थिके शरणैत्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हाथों को एकत्र कर लो और सम्मुख भगवान श्री विष्णु जी खड़े हैं उनको नमस्कार करके उनसे विशेष रूप से विनती प्रार्थना करो कि बाबा जैसे आपका और मैया लक्ष्मी का जोड़ा बना वैसे हमारा भी जोड़ा बने। हरि ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनसदृशनं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवृद्धिमानगमनं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथनं हे रामा पुरुषोत्तमं नरहरे नारायणः केशवा गोविंद करणुजा गुणाधिनिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलावती यदुपति श्रीपति वैकुंठयाधिपति लक्ष्मीपति चराचरपति काहिमामे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः पापोऽहं पापकर्माहं पापादो पापसंभवा पाहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वं पापहरो भव सर्वं पापहरो भव सर्वं पापहरो भव। लक्ष्मीनारायणाय नमः सच्चिदानन्दरूपाय नमः। चले कन्याकांत का महासंकल्प का समय हुआ जहाँ पर कन्या के माता बाबा देती है कि अपना जो कन्या का हाथ है वो हम श्रीमान के हाथ में देने का अनुरोध कर रहे हैं। हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 अलोकमणि
हरि ओम पूजा स्थान श्री मंगल पात्र पवित्र करणं समर्पयामहि मंगलमुक्ति मानसिह अभ्यो नमो नमः। कन्यादान के बाद में समय हुआ कि वस्त्र आभूषण और दक्षिणा को साथ में लेकर कन्या की माँ और बाबा जो भी कुछ बचे हुए उपहार है उसको कन्या रानी को दान करने का प्रयास करें। हाथों में भगवान श्री कृष्ण और मैया राधिका की आकार प्रतिमा प्रतिबिंब को लेकर यही इनकी प्रार्थना करो कि दादा जैसे विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण कराया और उसके बाद में आप और मैया राधा का साथ बना, वैसे ही हमारी बेटी और हमारे जमाई बाबू का भी साथ बने। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते श्री गणेशाय, हरि ओम नमो भगवते श्री सरस्वते नमः। जगद्बंधु ज्योति स्वरूप जियहि जानन हारे, हरि यश मंगलायो दासे प्रभु के द्वारह। वसुदेव सुतम देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्ण वंदे जगते गुरु। गीता च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसंध्या हुक्तगिहि अर्धमात्रा चिदानंदा भवध्वनि भयनाशिनी वेदकरी परानंता तत्वांत ज्ञानमंजरी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते नारायणाय, नमो भगवते कृष्णाय। कन्या की माँ बाबा खड़े होकर होने वाले जवान बाबू और कन्या रानी को ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा मंगल प्राप्त करे कि दुनिया की किसी भी कोने में रहना यश कामना वैभव संपत्ति को अकस्मात रूप से प्राप्त करना। हरि ओम श्री लक्ष्मी करो तो कल्याणमालोक्य सुख संपदम भविष्य विनाशाय दीप ज्योति भी नमो नमः। चले देवी और सज्जनों, आज हमारे विचार से पीजी द्वीप से यात्रा करके अरुण जी की माँ यानी कि कन्या की आज यहाँ पर हमारे साथ में विवाह संस्कार में भागीदार बन रही है। बड़ा ही भाग्य होता है हमारा कि जब बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता है। हरि ओम पूजा स्थान श्री मंगल चरण पादुका स्नानम समरे पयामहि मंगल मुक्त जीवानस्तिहि नमो नमः। हरि ओम गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले नस्मृत पूजा स्थान चरण पादुका स्नानम समरे पयामहि मंगल मुक्त जीवानस्य नमः। हाथों का स्नान कर लो। हरि ओम हस्तम प्रक्षालय, ओम हस्तम प्रक्षालय, हरि ओम हस्तम प्रक्षालय गोविंदाय रामित्रयोगः मंगल मुक्त जीवानस्य भ्यो नमो नमः। मंगल पूजा स्थान पात्र अर्पणम प्रति कृतम धातु पात्र और वस्त्र दान आदि करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्तिशर्वाः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातः आशीर्वादम यश कामना पूर्ति भव सर्वदा धनलक्ष्मी कीर्तिमाने चलाय बाद मंगल प्राप्ति महम करिष्यहे पूजा स्थान आशीर्वादम प्रति गृहता मंगल मुक्तिमानस्य नमो नमः। आज के बाद में कन्या रानी की नानी का समय हुआ जो आज यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट से यात्रा करके और हमारे साथ एक बार संस्कार में भागीदार बन रहे हैं। हरि ओम पूजा स्थान मंगल चरण पादुका स्नान समर्पयामहि हरि ओम गंगा गोदावरी ओम गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मृते मंगल पूजा स्थान चरण पादुका स्नान समर्पयामहि मंगल मुक्तिमानस्य नमः। हाथों का स्नान हस्तम प्रक्षालय गोविंदाय रावंद योगः ओम मंगल मुक्तिमानस्य भ्यो नमो नमः। पूजा स्थान दीपार्पण मंगल पूजा स्थान धातु पात्र पवित्र करणं
samare payahi mangal buddhimanasya dhunam munamaha vishesh roop se samay hua chale gaye chota jahan par kanya ja rahi hai aur wahin se aaj kanya ki jo nana aur nani ki mutta padarpan hua hai rani dakshina de rahi hai aur unki ke liye hai hari om भाग्य मामलों मामा का
swaha om shanikraya swaha om rahave swaha om ketave swaha hari om raja om maham garishahe hari om om aarvanam devaha kanya gomari vaisatam sanu aarvana devaha reyo munchuma badai swaha brahmarvane idam vaha om himam nartavayo raja nama pandita ayushmanasye nepatire dhanta gyatahu mama swaha brahmagnairam mahadisa om himam raja nama pangalam samriddhi karanam మాతృభ్యం చాసానానం అగిన్పయంగం స్వాహాగణైరం నమః చలే పహలి భావన కా సమయ హువా ఔర్ దేఖే క్యా ఆజ్ హమారే జో మాధ్యమ్ సే జతా హూం ఇస్ లియే హమ్ కో క్యా గాకే సునాతీ హై Thank you.
तो कन्या रानी कहती है कि पांचवे मंडल में पगारखाने पर भरते वधू प्रतिज्ञा करती है कि मैं आपके सुख में सुखी, दुख में दुखी और सुखी रहती हुई सदा ही आपकी आज्ञा का पालन और पोषण करूंगी। कन्या छठे में आ गई। कन्या छठे में आती है तो दूधे दादा कहते हैं कि हे सखे, छठे मंडल में तुम दाहिना पग धरो, इससे विष्णु भगवान तुमको ऋतु का समय उत्तम पद प्राप्त करवावे। दूल्हे राजा भी छठे में आ गए तो कन्या बोल पड़ती है कि छठे मंडल में पग रखने पर वर्त वधू या प्रतिज्ञा करती है कि धर्म अर्थ और काम के सभी कर्मों के करने में तथा यज्ञ होम और दान आदि करते समय सभी समय भी सदा आपके साथ ही मैं रहूंगी। और अब कन्या रानी सातवें में प्रवेश करती है। सातवें में प्रवेश करती है तो दूल्हे राजा कहती है कि सखे, सातवें मंडल में तुम दाहिना पग धरो, इस पग धरने में तुम पृथ्वी आदि सात लोगों के सुख भोगने वाली और सदा हमारी आज्ञाकारिणी रहो तथा तुमको परमात्मा सत लोके को सुख भोग देवे और हमारे ही में प्रीति रखने वाले पतिव्रता नारी बना देवे। दूल्हे राजा सातवें प्रवेश करते हैं तो दूल्हे राजा तो कन्या कहती है कि सातवें मंडल में पग रखने पर वस्त्र वधु या प्रतिज्ञा करती है कि शास्त्र के अनुसार है अब मैं तुम्हारी पत्नी जैसी हो गई हूँ और मन के भावों को जानने वाले देवताओं के साक्षी मैं देती हूँ कि जितने भी वचनों को मैंने कहे वे सभी सच्चे मन से कहे हैं और मैं आपसे कभी भी छल कपट और कटु वचन नहीं बोलूंगी। चले इनका जो सातवां पद है, सातवां जो भावर है वो समाप्त करे और उसके बाद में आज युवा संस्कार के अंत चरण में हम सब पहुंच जाएंगे। हरिओ विनायकं महत् पुण्यं सर्वदेवानां नमस्कृतं सर्वो विग्रहंतरं श्रीगौरीपुत्र महावायणम् आसं विराजो समर्पयामहि मंगलमुक्तिमानस्य अभ्यो नमो नमः। चले प्रिय श्रोताओं, सात सात वचनों को लेने के बाद में विशेष रूप से अब अंत में कन्या के पास सात वचन होते हैं और दूल्हे राजा के पास भी एक वचन होते हैं। तो चलो कन्या रानी, हाथों को एकत्र कर लो, हाथों को एकत्र करके और दूल्हे राजा के आंख में देख कर और अपना जो अंतिम वचन है वो बताने का प्रयास करो। देवियों सज्जनों, सबसे पहले अब कन्या सात वचन कहती है वर्षे और सबसे पहले कन्या कहती है कि प्रथम या कहती है कि तीर्थ यात्रा व्रत आदि उद्यापन है, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि आप मुझे साथ ही में लिए हुए स्वीकार करें तो मैं आपके वाम हाथ में पत्नी जैसी हो जाऊंगी। कन्या दूसरे में कहती है कि देवताओं के लिए कब दान और पितरों के लिए हव दान, कि देवताओं के लिए हव दान और पितरों के लिए कब दान आदि कर्मों के करने में मुझे सा रखना यदि तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे वाम भाग में हो जाऊंगी। तीसरे में कन्या कह देती है कि यदि अपने कुटुंब और गौ आदि सभी पशुओं का यथोचित पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। और चौथे में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन आदि और जो भी कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना, मेरी ही सलाह से उचित रूप में खर्च करना यदि तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे वाम भाग में हो जाऊंगी। कन्या पांचों में कहती है कि यदि आप देवालय, बाग, तालाब, कूप या बावली आदि तैयार करवावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजा आदि कर्मों में मुझे ही साथ रखना स्वीकार करें तो मैं तुम्हारे वाम भाग में हो जाऊंगी। छठे में कन्या बोलती है कि अपने देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने का प्रबंध करवावे तो उसमें मेरी भी सहायता आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। कन्या का सातवां वचन है प्रिय श्रोताओं, हाथ जोड़ लो, हाथों को एकत्र करके उसको बताओ कि मेरा सातवां वचन यह कहता है कि दूसरे के पुरुष, दूसरे की स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो किंतु उसका सेवन नहीं करना, अगर तुम ऐसा प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वाम भाग में पत्नी जैसी हो जाती हूँ। और अब दूल्हे राजा कहते हैं और अब अंत में दूल्हे राजा कहते हैं कि मेरा एक ही वचन है कि मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हो, सदा ही हमारी आज्ञा का पालन आदि पतिव्रता धर्म में परायण रहने का प्रयत्न करती हो तो सभी ही उचित तो सभी ही उचित रीति से हमको स्वीकार है
तो चले प्रिय श्रोता, इन्होंने अपना सात साल वचन स्वीकार किया, कन्या ने अपना साल वचन सुनाया, दूल्हे राजा ने अपना एक वचन सुनाया, और अब समय हुआ कि दोनों खड़े हो जावे, कि दोनों खड़े हो जावे, और श्रीमान बड़े ही मान और सम्मान के साथ में कन्या रानी को अपने वाम भाग में पत्नी के रूप में स्वीकार करने का प्रयास करे। हरिओम विराजो सत्रमसी देहि, ओम विराजो सत्रमसी देहि, आसन विराजो समर्पयामहि, मंगलमुक्ति जमानस्तिह भ्यो नमो नमः, मंगलमासन विराजो प्रति गृहतावम। चले प्रिय श्रोताओं, पति और पत्नी घोषित करने से पहले सबसे पहले सिंदूर दान, उसके बाद मंगल सूत्र दान करवाएंगे। तो चले सबसे पहले सिंदूर का प्रबंध कर लो, और संगीत के माध्यम के द्वारे आज कन्या रानी को हम सिंदूर अर्पण करवावे। Thank you.
सबसे प्रिय श्रोताओं, युवा संस्कार के अंत चरण में हम सब पहुंच गए। सिंदूर दान के बाद में यानी कि सिंदूरम करुणा महासतम जपानुसम सनिभवम पूजिता सी मयान दीव प्रसीदे परमेश्वर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और अब विवाह संस्कार के अंत में हम सब पहुंच गए हैं, तो समय होता है प्रिय श्रोताओं कि दूल्हे राजा के जो बड़े भाई होते हैं, जो दुल्हन के जेठ होते हैं, वो उपहार है और थोड़ा जो पुष्प है वो कन्या रानी को अर्पण करने का प्रयास करेंगे। तो चले, अगर दूल्हे का बड़ा भाई नहीं हो तो ब्राह्मण सब कुछ करे। तो आज भैया ने कुछ पंडित कर चले देवियों सज्जनों, आशीर्वाद का समय हुआ। विशेष रूप से देवताओं के चरणों में नमस्कार करके और आशीर्वाद इन दोनों को हम देने का प्रयास करें कि भगवान सदा कल्याण करे, वर मधु रहे सुख से दोनों। भगवान सदा कल्याण करे, वर मधु रहे सुख से दोनों। यही आशीर्वाद प्रदान करे कि कन्या हो सदा सौभाग्यवती, वर मधु में रहे सदा सुमति, सुख वैभव प्रभु प्रदान करे। ओ चिरंजीवी सुख शैरवान गुणवान धनवती और कीर्तिमान, सुखमय प्राप्त संतान करे, हो सफल मनोरथ सदा गंभीर। होती रहे प्रभु कृपा इन पे जग में प्राप्त धन मन और शान करे। देवियों सज्जनों, करके भगवान का हम धन्यवाद देते हैं आज दूल्हे राजा और कन्या रानी को ढेर सारा आशीर्वाद। हरि ओम, यश कामना पूर्ति हो सर्वदा, धन लक्ष्मी कीर्तिमान चलायमान मंगल प्राप्ति महाकुंभ करे चहे। चले देवताओं को आशीर्वाद के बाद में समय हुआ माता और पिता का। आग्रह करते हैं सतीश की माता और पिता श्रीमान और श्रीमती परसराम जी और उनकी माँ मंच पर आने का प्रयास करें। और उनके साथ में भी आग्रह करते हैं कन्या के माता पिता श्रीमान और श्रीमती अरुण और रोलिंग सिंह जी का कि वो दोनों भी मंच पर आने का प्रयास करें और आकर अपने होने वाले जो नए दंपति है उनको ढेर सारा आशीर्वाद है मान और सम्मान प्राप्त करवाने का प्रयास करें। चले आग्रह करते हैं श्रीमान और श्रीमती परसराम जी से दूल्हे राजा के माता पिता और कन्या के माता पिता श्रीमान और श्रीमती अरुण और रोहिणी सिंह जी से कि वो मंच पर आने का प्रयास करें। कन्या के माता पिता श्रीमान अरुण जी और माँ रोहिणी और दूल्हे राजा के माता पिता श्रीमान परसराम और मई और माँ पार्वती जी आशीर्वाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववीराः, स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्णेवी, स्वस्ति नो बृहस्पति दुधातुः। मंगल पूजा स्थान आशीर्वादम प्रति गृहतावम। प्रणाम। उपस्थित श्रोतागण,
आप यहाँ पर विवाह में पधार कर जो आशीर्वाद वर और वधू के दिए हैं, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सदा दिन आपके सौभाग्य बना रहे। शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या? शिष्टाचार का अर्थ है श्रेष्ठ आचार और श्रेष्ठ विचार। आदमी के जब आचार अच्छा रहे और विचार गड़बड़ रहे तो उसे शिष्टाचार नहीं कहा जाता। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह जनकपुर में हुआ था, उस समय राजा जनक ने आकर राजा दशरथ का शिष्टाचार किया था और वही शिष्टाचार उच्च विचार लेकर हमें भी करना चाहिए। परिवार परिवार का मिलन, एक दूसरे बड़े छोटे का इज्जत करना, एक इज्जत करना, यही शिष्टाचार है और यही हमारा धर्म का प्रथम बार शिष्टाचार को करने वाले थे राजा जनक और राजा दशरथ। मैं अरुण के मामा होते हुए आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप किसी प्रकार का जो मदद किए हैं, हाथ बढ़ाए हैं, उनके कार में भाग लिए हैं, जो भोजन तैयार किए हैं, मैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही विनती करता हूँ कि आपका मनोकामना भी सभी दिन पूर्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्भ ध्वजा, मंगलम मूल्यकारक मंगलाय वंदनोहरि। राम रमे 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 मानो रमे सहस्रनाम पूर्ण नाम राम नाम भराय। अयोध्या मथुरा माया काशी अमेरिका सकुलचार एक बार तो श्री भरे गाए नमा। Authentic Indian dance item, Bharatanatyam, show the appreciation and love for their sister on her wedding. Thank you. Money, money, money.
बोल मो फाड़ दो
कभी 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 ऐसे दियों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। है वीरानों में बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं। ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा तेरे ही लिए जल let's cheat, you have to go first.
तो जरा ताले दे ताले दे ताले दे मेरा नशीले जादू डाले दे डाले दे डाले दे Jesus,
not eating kaju? Why? Kaju. He got get more money. Jija want more money. Kaju, Jija got get more money. He's not eating. I'll give you one in each area. Somehow I'll give you 5 cents. वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम। Oh!
सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम रब से है इल्तिजा माफ कर दे मुझे मैं तो तेरी इबादत करूं है मेरी सोनिए ना खबर है तुझे तुझसे कितनी मोहब्बत करूं तेरे बिन सब कुछ बेनूर है मेरी मांग में तेरा सिंदूर है सांसों में यही पैगाम है मेरा सब कुछ तेरे नाम है ओ, धड़कनों में रहने वाली सोनिए को सलाम से ना खेलू ऐसे होली मैं ना तेरा किसी का तो होगा ही तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं खुले ख्वाबों में जीते हैं बाहरे मन के धागे ओ मन के Thank you.
तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले, मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी ज्योत ना हो फीके तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, काटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे
मैं 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे Hill Station.